मात्र 999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान जिले के सराय ओपी क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित चमड़ा मंडी समीप 1 दिसंबर की सुबह रुपए के बंटवारे के दौरान हुए विवाद में बदमाशों ने मोहम्मद सगीर उर्फ भोलू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस दबिश के कारण कांड में दो आरोपितों ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिवान के न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि अभी भी हत्याकांड के 4 नामजद आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। उधर लगातार हो रही पुलिस छापेमारी के कारण कांड के अन्य नामजद आरोपी भूमिगत हो गए हैं, लेकिन पुलिस दावा कर रही है कि बहुत ही जल्द इन आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस दिन रात सभी आरोपितों के घर छापेमारी कर रही है, लेकिन सभी आरोपित शहर छोड़कर फरार हैं। इस मामले में सराय ओपी प्रभारी तनवीर आलम ने बताया कि पुलिस दबिश के कारण हत्याकांड के नामजद आरोपी पचरुकी थाना क्षेत्र के हरदिया गाँव निवासी समीउल्ला मियाँ एवं कुख्यात अपराध कर्मी मिस्कार टोली निवासी अतीउल्ला मिस्कार ने आत्मसमर्पण किया है। सराय ओपी प्रभारी तनवीर आलम ने बताया कि अतीउल्ला पर पूर्व में भी कई हत्या समेत लूट के कई संगीन मामले दर्ज हैं और सभी मामले न्यायालय में लंबित हैं। तो जिले का कुख्यात अपराध कर्मी है। बता दें कि मृत सगीर के पिता सह महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार महाराजगंज निवासी मोहम्मद सलीम के फर्द बयान पर 7 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामजद प्राथमिकी में फिरोज आलम उर्फ लड्डन बिसाती, पचरुकी थाना क्षेत्र के हरदिया गांव निवासी समीउल्ला मियां, मिस्कार टोली निवासी अतीउल्ला मिस्कार, इरशाद अतीउल्ला का भाई रियाज मिस्कार, अतीउल्ला का भतीजा मिराज एवं शौकत शामिल है। 7 नामजद में से एक फिरोज आलम उर्फ लड्डन बिसाती को पुलिस ने हत्या के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यूज़ इंडिया तक से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।